तो गाइस यार तुम लोगों को तो पता ही है भाई, लास्ट वाले एपिसोड में चॉप गायब हो गया था। और चॉप का भाई कुछ अता पता नहीं चल रहा था कि वो चॉप गया कहाँ। अचानक से ही वो गायब हो गया यार, मतलब अपने साथ में था, रात को अचानक से ही मैंने उसे खाना पीना दिया, सुबह देखा वो गायब है। तो ऐसा सीन हुआ था गाइस। फिर मैंने चॉप को भाई माइकल के घर पे, लेस्टर, ट्रेवर, साइमन सबसे पूछा, कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद गाइस लास्ट में मैं घर पे आया तो एक डॉगी मुझ पे भौंकने लगा यहाँ पर बाहर की साइड, और फिर वो डॉगी मुझे ले जाने की कोशिश कर रहा था कहीं पे। तो मैं गाइस जस्ट उसके पीछे फॉलो करता गया, मुझे लगा कि शायद वो चॉप का पता बता रहा है, बट मेरा पोपट हो गया यार लिटरली में, क्योंकि उस डॉगी की एक बोन थी, बोन मतलब हड्डी, तुम लोग समझ ही रहे हो भाई, वो बोन पानी में गिर गई थी, वो मुझसे बोन मांग रहा था वो डॉगी मुझे। इधर ये पानी नहीं दिख रहा तुम लोग, ये बड़ा सा तालाब जो है, रुक जाओ यार मैं तुम लोग दिखाता हूँ, ये देखो भाई इधर वाले पानी के अंदर उसकी बोन वोन गिर गई थी, और भाई वो मुझसे वो निकालने के लिए कह रहा था। कोई बात होती है ये, लिटरली मैं वो डॉगी बस इस काम के लिए लेकर आया था मुझे, जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया और साथ में इस वाले भाई साहब का भी दिमाग खराब हो गया। क्या क्या कसे गाड़ी चढ़ा रहा है भाई, हेलो अलग ही पागल हो गया ये बंदा। खैर छोड़ो गाइस, तो वो डॉग ही बताओ यार इस काम के लिए ले गया। बट कुछ भी हुआ हो यार, चॉप का अभी भी कुछ पता नहीं चला, और चॉप को गायब हुए पूरे के पूरे एक दिन से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका है गाइस, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। इसलिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचता है, और वो तुम लोग जानते हो गाइस मैं किसकी बात करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अवेंजर्स की। अवेंजर्स वैसे तो कभी मेरे ज़्यादा कुछ काम नहीं आते, बट आज आई थिंक वो मेरे काम आने वाले हैं, और मैं गाइस उन लोगों से ही हेल्प मांगने वाला हूँ अवेंजर्स से। तो जहाँ तक मेरी जान पहचान है अवेंजर्स से, हल्क और आयरन मैन कोई ज़्यादा मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले गाइस हल्क को कॉल करता हूँ और उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता हूँ, या फिर मैं मिलने के लिए जाऊँ उससे पूछता हूँ कहाँ आना है भाई, या फिर उसे ही बुला लेता हूँ। लेट्स डू दिस गाइस, अभी हल्क को कॉल लगाते हैं जरा। हेलो भाई हल्क। अरे फ्रैंकलिन कैसे फोन किया इतने दिनों बाद? भाई तेरी जरूरत थी। क्या हो गया, किसको पीटना है? भाई किसी को पीटना नहीं है, किसी को ढूंढना है। ढूंढना है? हाँ वो सब मैं तुझे मिलके बताता हूँ। ये बता तू इस वक्त है कहाँ? मैं इस वक्त बीच साइड पे हूँ यार। बीच पे घूमने गया तू? हाँ हाँ आ जाओ इधर ही आ जाओ। आ रहा हूँ ठीक है फिर मैं। ओके गाइस लेट्स गो। बीच पे है ये हल, बहुत ही घूम रहा है आजकल भाई हल्का बच्चा। खैर जो भी हो गाइस, अभी हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से बीच पे चलते हैं। उसकी गाड़ी अभी तक चढ़ी नहीं भाई। खैर कोई बात नहीं, उसे वहीं पर छोड़ो। यहाँ पर एक भाई साहब गाड़ी लेकर आए हैं। क्या मस्त स्मूथली इसने गाड़ी रोकी, और क्या स्मूथली मैंने ये गाड़ी चुरा ली है। खैर जो भी हो गाइस, अभी फटाफट से मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधे बीच साइड की तरफ, जहाँ पर हल्क मेरा इंतजार कर रहा है। और देखते हैं गाइस हल्क के पास कोई आइडिया है क्या चॉप को ढूंढने का। आई थिंक यार वो एवेंजर्स का हिस्सा है, होगा तो ज़रूर कोई ना कोई आइडिया। तो ये पहुंचने वाला हूँ गाइस जस्ट ऑलमोस्ट मैं बीच साइड पर, बस हम लोगों को सीधा अपनी गाड़ी को भगाना है और चलते हैं फटाफट हल्क से मिलने के लिए। पता नहीं हल्क यहाँ पर क्या करने आया होगा। खैर जो भी हो, गाड़ी को संभाल कर लेकर चलते हैं भाई, क्योंकि बीच पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, एक आध को तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। ओ वो रहा हल्क, वो रहा, दिख गया हल्क दिख गया। गाड़ी को यहीं रोकते हैं और ज़रा चलते हैं हल्क के पास। हल्क भाई कैसे हाल चाल तेरे? अरे तुम बताओ यार कैसे इतने दिनों बाद फोन किया? अरे यार बहुत ज़रूरी काम है, तुझे पता है अपना जो चॉप है वो खो गया है। क्या बात करो यार, चॉप खो गया? हाँ यार चॉप खो गया। अरे यार मजाक मत करो, चॉप कैसे खो सकता है यार? अबे खो गया मैं बता रहा हूँ, उसको मैंने रात को खाना पीना दिया था, मस्त उसको सूप दिया मैंने, सुबह उठ के देखा सूप वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, वो गायब है। अच्छा? हाँ भाई काफी ज्यादा मैंने उसे ढूंढने की भी कोशिश की, बट फिर भी उसका कुछ नहीं पता चल रहा। ओके चॉप को कैसे फिर ढूंढा जाए? वही तो यार, इसी के लिए तो मैं तेरे पास आया हूँ, तेरे पास कोई आइडिया है? आइडिया तो है लेकिन यार तुम कर पाओगे? भाई मैं कर लूंगा यार, चॉप को बस किसी तरीके से ढूंढना है, तू बस आइडिया बता। आइडिया तो है यार, देखो तुम भी डॉगी बन जाओ, क्योंकि तुम डॉगी बन जाओगे तो डॉगी वाली पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, और डॉगी ही किसी दूसरे डॉगी को इजीली ढूंढ सकता है। अबे तू पागल वागल हो गया क्या? मैं डॉगी कैसे बन पाऊंगा? और मान ले बन भी गया तो फिर चॉप को कैसे ढूंढ लूंगा भाई? अरे डॉगीज की नाक बहुत ज्यादा तेज होती है यार, तुम इजीली चॉप को ढूंढ लोगे। चल ठीक है मान लिया डॉगी बन गया मैं चॉप को ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं डॉगी बनूंगा कैसे? उसकी टेंशन मत लो, अभी डॉक्टर स्ट्रेंज को बुला दो, तुम्हें डॉगी बना देगा। हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ऐसी भी पावर्स हैं? अरे खतरनाक आदमी हमारे डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है फिर तो बुला ले डॉक्टर स्ट्रेंज को, फोन करके बुला ले। फोन करने की जरूरत नहीं है, वो भी आया है घूमने के लिए ही। अच्छा तो बुला फिर। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाओ यार। अरे हाँ भाई ये भी सच में ही घूमने आया है, और ये क्या है? अरे यार वो मैं अपनी खतरनाक वाली पावर्स का यूज कर रहा हूँ।
अच्छा जो भी कर रहा हो भाई तू, तू मुझे डॉगी बना सकता है? बिल्कुल यार, बिल्कुल बना सकता हूँ मैं तुम्हें। अरे ठीक है ठीक है, तू बना तो देगा मुझे, पर तुझे लगता है मैं डॉगी बन के चॉप को ढूंढ पाऊंगा? क्यों, चॉप गायब हो गया क्या यार? हाँ हाँ चॉप गायब हो गया भाई। फिर तो इजीली ढूंढ सकते हो तुम उसे। अच्छा और एक बात बता, मान ले डॉगी बन गया मैं तो फिर वापस से फ्रैंकलिन बन जाऊंगा ना मैं? हाँ बिल्कुल यार, उसकी टेंशन मत करो तुम। अच्छा ठीक है फिर बना दे। तो गाइस यहाँ पर यार डॉक्टर स्ट्रेंज भाई मुझे एक डॉग बनाने वाला है, यानी हम लोग एक डॉग की लाइफ जीने वाले हैं। लाइफ नहीं जीने वाला मैं डॉग की, मैं सिर्फ चॉप को ढूंढने के लिए डॉग बनने वाला हूँ। खैर जो भी हो गाइस, चॉप को ढूंढना तो काफी ज्यादा जरूरी है ही, तो चलो बन जाते भाई डॉग फटाफट से। बना दे यार डॉक्टर स्ट्रेंज, तू बना दे, तू टेंशन मत ले, फटाफट बना डाल। ठीक है यार फिर बना डाल डॉगी फटाफट से। ठीक है यार अभी बनाता हूँ। 3, 2, 1। ओ भाई साहब ये क्या हो गया मुझे? ये डॉगी बना दिया यार मैंने तुम्हें। अरे हाँ यार डॉगी ही तो बनाया है। अच्छा इतना छोटा, ये डॉगी है कि पपी है कि ये कौन सा डॉगी है यार? ये कैसा उदास सा डॉगी बना दिया मुझे। अरे ठीक है यार जल्दी से चॉप को ढूंढो। ओके गाइस डॉगी बनाऊ मैं चॉप को ढूंढने के लिए, पर लिटरली मैं यार कुछ ज्यादा ही छोटा डॉगी नहीं बन गया मैं? अरे यार एक डॉग की लाइफ जीने वाला हूँ मैं, ऐसे जीने नहीं वाला मैं चॉप को ढूंढने के लिए सिर्फ डॉगी बनाऊ। लेट्स गो। क्या मैं बाइक मतलब गाड़ी चला सकता हूँ? ओ वेट, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, नाइस यार, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ठीक है भाई मिलता हूँ बाद में। ठीक है यार मिलते हैं बाद में। हाँ हाँ मिलते हैं बाद में। ठीक है भाई, हेल्प डॉक्टर शेन, थैंक यू। चलो गाइज अभी फटाफट से घर पे चलते हैं, और जो अपने मैंने चॉप को खाना दिया था, क्या खाना दिया, हाँ सूप दिया था मैंने उसे, उस सूप को जरा सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, और जरा चॉप का पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं गाइस क्या हम लोग चॉप को ढूंढ पाते हैं कि नहीं डॉगी बनने के बाद। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क का कहना था कि मैं इजली ढूंढ सकता हूँ, देखते हैं इजली ढूंढ पाता हूँ या फिर नहीं। बाकी डॉग बनने के बाद तो मेरी ड्राइविंग स्किल्स और भी ज्यादा बेकार हो चुकी हैं। बेकार तो खैर पहले से ही थी, बट अब और ज्यादा बेकार हो चुकी है भाई, और अब और ज्यादा बुरी तरीके से मैं गाड़ी चला पा रहा हूँ, क्योंकि भाई डॉग के बहुत ज्यादा छोटे छोटे हाथ है, उसकी वजह से स्टीयरिंग भाई ढंग से कंट्रोल नहीं हो रहा। देख रहे हो भाई तुम लोग कैसे ठोक रहा हूँ मैं गाड़ी? भाई ट्रक चलाने मजा आएगा छोटा सा डॉगी बन के। खैर जो भी हो चलते हैं फटाफट से गाइस घर की तरफ। ओके गाइस तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फटाफट। ओ भाई साहब अब चलते हैं गाइस जरा घर के अंदर और उस कैन को ढूंढते हैं। लेट्स गो। ओ कैन कहाँ गई वो? कहीं चॉप वापस तो नहीं आ गया? हेलो भाई चॉप। ओ भाई चॉप नहीं गाइस, चॉप वापस तो नहीं आया है, तो वो कैन कहाँ गई? अबे यार अब ये कैन कहाँ चली गई? हवा ववा से उड़ तो नहीं गई, लेकिन उसमें तो खाना पीना भी था ही, या फिर मैं गया तो कोई और डॉगी तो नहीं खा के चला गया? मुझे लग रहा है गाइस कोई बिल्ली या फिर कोई डॉगी खींच के ले गया उन कैंस को जिसके अंदर सूप था। अबे यार छोड़ो गाइस वो कैन तो छोड़ो, अब हम लोगों को चॉप के सामान को सूंघ कर ही चॉप का पता लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं हम लोग कर सकते हैं गाइस, हम लोग कर सकते हैं। वैसे गाइस तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से चॉप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना गाइस। और हाँ गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हम लोग जल्द से जल्द चॉप को ढूंढ सके। फिलहाल चॉप का हमारे पास काफी सारा सामान तो है भाई, काफी सारा सामान है यहाँ पर, खिलौने हैं, चॉप का डॉग फूड है, और फिर चॉप का बेड है। इससे स्मेल करके, हाँ भाई साहब स्मेल तो कर रहा हूँ मैं, हाँ हाँ बिल्कुल स्मेल करके गाइस हम लोग चॉप का इजीली पता लगा सकते हैं यार। बाकी गाइस तुम लोग आज की वाली वीडियो बढ़िया लगे तो फटाफट से चॉप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग डॉगी बन के, डिटेक्टिव डॉगी बन के भाई चॉप को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बाकी उसका सामान सूंघ लिया है, अब बस इस स्मेल को ट्रेस करना है और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे चॉप तक। लेट्स डू दिस गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।